अब देखो हम इसके अंदर ऑयल पेस्टल कलर करेंगे क्योंकि वो तुम्हारे लिए इजी है, ठीक है, ऑयल पेस्टल ड्राइंग करने। हम पहले हट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम येलो कलर लेंगे, ठीक है, लाइट येलो ऊपर की तरफ अप्लाई करेंगे क्योंकि धूप वाला पोर्शन होता है, तो इसलिए ऊपर की तरफ जो भी चीज़ होगी वो लाइट होगी, ठीक है। अब आपको पता है हट का कैसा होता है कलर, ब्राउन। यस मैम। तो अब हम इसके बाद येलो के साथ थोड़ा सा मिक्सिंग करेंगे ऑरेंज की, ठीक है। डार्क डार्क कलर नहीं चलाना है, लाइट लाइट चलाना है ताकि हम बाद में उसको स्मज कर सकें। अब हम लेंगे ब्राउन कलर, ठीक है, ये लाइट ब्राउन कलर है। ठीक है, हम डार्क डार्क नहीं चलाएंगे, बीच में थोड़ा थोड़ा सा गैप रहेगा। अब इसके बाद सबसे ज़्यादा डार्क वाला कलर, जो ओवरलैप वाला पोर्शन है उसको हम डार्क करेंगे और नीचे वाला पोर्शन भी हम डार्क करेंगे। अब हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। अब जहां पर हमने ऑरेंज शेडिंग करी थी हमने क्या किया, उसको ब्लेंड कर दिया मीडियम येलो कलर से, ठीक है। तो ब्लेंडिंग अच्छे से करोगे तो सारे कलर मिक्स होते हुए दिखाई देंगे। कॉटन से अच्छा नहीं लगता, मतलब ज्यादा भार फैल जाता है। नहीं, कॉटन से नहीं कह रही हूँ मैं, कॉटन बर्ड से कह रही हूँ जिससे कान साफ करते हैं। उससे भी कैसे हो सकता है, आप उससे शेडिंग भी करते हैं। देखो आप है ना, आप एक कॉटन बर्ड लेके आओ, मैं बताती हूँ, जाओ लेके आओ। अब हमने ऊपर जो किया था वो येलोइश किया था, अब हम नीचे जो करेंगे वो ऑरेंज शेडिंग करेंगे ताकि हट के ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन में डिफरेंस क्रिएट हो सके। हम हल्के हाथ से कलर अप्लाई करेंगे, अगर आपने थिक कलर अप्लाई कर लिया तो आप उसको ब्लेंड नहीं कर सकते, ठीक है। देखो जैसे कोई भी पतले से एरिया में आपको कलरिंग करनी है तो आप है ना यहाँ साइड में, जैसे मैंने ये वाइट छोड़ा हुआ है, आप इसको छोड़ दो और जब आप इसकी ब्लेंडिंग करोगे वो अपने आप फैल के उसको कवर अप कर लेगा, ये देखो। तो कभी भी जब आप, जैसे मैं यहाँ पर करके दिखाती हूँ आपको, अब मैंने यहाँ पर ब्राउन कलर करना है तो मैं बिल्कुल एज से स्टार्ट नहीं करूँगी, मैं थोड़ा सा बीच में रखूँगी, ठीक है। अब मैं जब ब्लेंडिंग करूँगी ना तो ये देखो, क्योंकि जो हम कलर अप्लाई करते हैं ऑयल पेस्टल थिक होता है तो जब हम उसको फैलाते हैं तो अपने आप थोड़ा स्प्रेड हो जाता है, तो इसलिए कुछ वाइट पोर्शन हमेशा छोड़ा करो, अगर तुम वाइट पोर्शन नहीं छोड़ोगे तो वो अपने आप बाहर हो जाता है कलर, ठीक है। अब देखो हुआ बाहर, नहीं हुआ ना, नो मैम। हाँ, हल्का सा ब्लैक अप्लाई करेंगे नीचे की तरफ ताकि ये पता चले कि डेप्थ वाला पोर्शन है, और ब्लैक के साथ हम स्मज कर देंगे सेम ऑरेंज शेड को। मैं इसको स्मज करूँगी, इससे क्या होगा, जो ब्लैक कलर है वो ऑरेंज कलर के साथ मिक्स होके नई शेड बना देगा, पूरा ब्लैक नहीं लगेगा फिर वो। मैंने बीच में वाइट लाइन छोड़ी थी ना ऊपर की तरफ भी, हाँ इसीलिए छोड़ी थी, अगर मैं ना छोड़ती तो ये हमारा ऊपर वाले पोर्शन के साथ मिक्स हो जाता है। अब हम ब्लैक कलर को थोड़ा सर्कुलर मोशन में शेडिंग करेंगे, इससे क्या होगा, ब्लैक और ऑरेंज कलर आपस में मिक्सिंग होके नया कलर बना देंगे। चलो इस पर फटाफट से कर देते हैं शेडिंग। दूसरी साइड में हम लाइट येलो लेंगे, बिल्कुल लेंगे। अब देखो हम ट्री में शेडिंग कैसे करते हैं, सबसे ऊपर येलो, कोई भी ट्री बन, और हाँ कभी भी आपका जैसे ये कलर मिक्स हो गया इसके ऊपर ब्लैक आ गया तो आप एक कपड़ा लेंगे और इसको पोंछ देंगे, नहीं तो आपके कलर के अंदर लाइट कलर में भी डार्क शेडिंग आएगी। अब सबसे ऊपर हम करेंगे येलो कलर। अब इसके बाद हमने क्या किया, हमने लाइट ग्रीन कलर, ये है डीप ग्रीन, तो हमने नीचे वाले पोर्शन को डार्क कर दिया। अब हम इसको ब्लेंडिंग करेंगे, तो हम स्टार्ट करेंगे ऊपर से। अब यहाँ पता चल रहा है कि ये डार्क है ये लाइट है, हम इसके बीच में सर्कुलर मोशन में ब्लेंडिंग करेंगे। रेडी हो गया? यस मैम। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ऊपर की तरफ जो ऊपर की साइड है टॉप की तरफ दिख रही है उनमें लाइट ग्रीन और नीचे की तरफ डार्क ग्रीन, अंदर वाले पोर्शन में हम करेंगे और नीचे की तरफ करेंगे अप्लाई। देखो डिफरेंस बिटवीन बोथ द शेड्स। अब हम डार्क कलर पे नहीं करेंगे, लाइट पे करेंगे, क्योंकि डार्क पे करेंगे ना तो वो पूरी हमारी जो लीफ है वो डार्क हो जाएगी, तो पहले हम लाइट को करेंगे सारी डार्क वाली शेडिंग साथ के साथ करेंगे, तो फिर हम नेक्स्ट लीफ पे जब जाएंगे और उसकी लाइट शेडिंग करेंगे तो वो भी डार्क हो जाएगी,
इसलिए पहले हम सारे लीफ की लाइट वाली शेडिंग अप्लाई करेंगे। हो गई सारी, अब हम क्या करेंगे, इसको जो बीच वाला पोर्शन है जहाँ पे लाइट और डार्क शेडिंग मिक्स हो रही है वहां पर ब्लेंडिंग करेंगे। अब ऐसे ही हम इसमें करेंगे। अब जो ये अंदर वाला पोर्शन है हम इसमें ब्लैक कलर कर देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। देखो, तुमने देखा मैंने नीचे और ऊपर की तरफ छोड़ दिया था कलर। yes, ये देखो, ये इसीलिए छोड़ा था क्योंकि अगर मैं पूरे में करती तो वो फैलता कलर फिर। अब हम क्या करेंगे, ये जो पोर्शन है यहाँ पर इधर किस तरफ हम डार्क करेंगे, नीचा पूरा है उस सारे एरिया को हम डार्क करेंगे। ओवरलैप का मतलब पता है ना, जब एक चीज़ के पीछे से दूसरी चीज़ दिखती है। ये पीछे की तरफ है हट, तो ये थोड़ा लाइट हो जाएगी, ये डार्क हो जाएगी। अब जो ऊपर वाली लाइन है, जो लाइन जहाँ जहाँ लाइन डाली हुई ना हमने मार्कर से, उसके साथ साथ सब जगह लाइट शेडिंग होगी। ठीक है, ये देखो अब हमारा लाइट कलर गंदा हो गया तो हम इसको पूछ लेंगे। अरे पोर्शन है हम इसको डार्क करेंगे क्योंकि ये ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, पीछे बनाएंगे पानी का पोर्शन। ठीक है, अब देखो पानी के लिए जो पीछे वाला पोर्शन है ना हम उसको डार्क करेंगे। जो पीछे से पानी आ रहा है तो इधर ज्यादा होगा, बीच में व्हाइट एरिया दिखते रहना चाहिए। अब हम नीचे लाते लाते इसको लाइट कर देंगे और ज्यादा, ताकि ब्लेंडिंग में आसानी रहे। इसके बाद हम लाइट कलर ले, अब इसको ये 50% हम कलर अप्लाई कर रहे हैं ना, क्यों, क्योंकि हम इसके अंदर दूसरे कलर की यानी कि व्हाइट कलर की ब्लेंडिंग करेंगे। अब जो यहाँ पर ये वाला पोर्शन है इस पे हम लाइट कलर अप्लाई करेंगे। आप टिश्यू पेपर से भी कर सकते हो, ठीक है, और आप कॉटन से भी कर सकते हो क्योंकि बड़ा पोर्शन है, आराम से हो जाएगा। अब हमने सारी लाइट शेडिंग कर ली है कंप्लीट। ये देखो हो रही है ना ब्लेंडिंग। यस मैम, जो आप ऐसे करके सर्कुलर मोशन में ब्लेंडिंग करते हो ना वो सबसे अच्छी होती है। देखो ब्लू और ग्रीन कलर की, ठीक है, जैसे वो सैंड वाला पोर्शन होता है ना, सैंड के पास ग्रीन और टर्कोइश ब्लू कलर दिखता है। अब जो ये अंदर वाला पोर्शन है हम इसमें डार्क कलर करेंगे। ये जो बोट का ये वाला पोर्शन है वो गहरा है। ठीक है, पोर्शन है ऊपर वाला ये लाइट होगा और जो टच हो रखी है नीचे से वहाँ पर डार्क होगा। ठीक है, अब देखो ये दोनों चीज़ें एक जैसी लग रही है ना। yes, अब हमें इनमें डिफरेंस क्रिएट करना है। अब हम कैसे करेंगे वो देखो, पहले हमने ये स्मज कर दिया। ठीक है, ये बोर्ड तो बन गई ऐसी। अब जो नीचे वाला पोर्शन है हम वहाँ पर हल्का सा डार्क कलर लेंगे और दो लाइन हल्की सी लाइन मारेंगे। ठीक है, और इसके साथ उसको ब्लेंड कर देंगे तो यहाँ पर ये शेडिंग इफेक्ट देगा, पता चलेगा कि इसके नीचे जो ये पोर्शन है ये शेडिंग वाला है। ठीक है, रियल लग रहा है। yes, ma'am. तुमने भी ऐसी काम करना याद रखना। ठीक है, तो अब हम बैकग्राउंड में कलर करते हैं। ठीक है, पीछे हम लेंगे रेड कलर, कॉर्नर से थोड़ा सा जैसे कॉर्नर आते हैं ना कॉपी के नोटबुक में, ऐसे आपने ऐसे करके शेडिंग करनी है। थोड़ा सा रेड के अंदर भी हम इसको मिक्स कर लेंगे क्योंकि स्किन कलर क्या होता है, ऑरेंज के अंदर हम वाइट मिला देते हैं तो उसको स्किन कलर ही बोलते हैं, तो हम इसमें वाइट मिलाने के बजाय क्या करेंगे, डायरेक्ट स्किन कलर अप्लाई कर देंगे। अब हम कॉटन बड से करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम नीचे वाले पोर्शन में करते हैं। अब खिड़कियों में हम ब्लू कलर कर देते हैं और हमारा काम खत्म। बीच में करेंगे हम और फिर फैलाएंगे। तैयार हो गए। yes.